रिफ्लेक्स सेक्शन से कहा जाता है। रिफ्लेक्स सेक्शन आमतौर पर जो हमारे आंखों के पलक झपकना जो है, इस तरह की हरकत को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स सेक्शन। यानी कि ऐसी हरकत हमारे जिसमें पाई जाती है जो हमारे हुक्म के एक हाथ है, इसको मैं सोचता हूँ कि इसको हरकत दूँ, हरकत देता हूँ, लेकिन हमारे जिस्म के अंदर ऐसे इनके हरकत पाए जाते हैं जो हमारे इरादे के बगैर होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स सेक्शन। और इसके बहुत सी मिसालें, घुटनों का झटका होता है, ये वगैरह मुख्तलिफ उनके यहाँ पर इसके बारे में डिटेल में लेके क्या आ गया, हरकत मुनाक्स है इसको उर्दू में, यानी कि रिफ्लेक्स सेक्शन खुदकार तौर पर होने वाली लाशूरी हरकत होती है। इसको लाशूरी हरकत होती है जो अंदरूनी या बैरूनी मुहरिकात के नतीजे में होती है, या क्या होते हैं, हमारे जिस्म के अंदर और बाहर मुहरिकात हरकत की वजह से भी होता है, दर्दनाक मुहरिकात के नतीजा में, यानी कि किसी हादसे वगैरह की वजह से, या किसी मौके पर किसी गर्म चीज़ को टकराने, किसी यानी कि मुहरिकात दर्दनाक मुहरिकात के नतीजे में क्या होता है, बाजू का एकदम देर तेज क्या करना, दूर खींचना, ये क्या है, बेहतरीन एग्जाम्पल रिफ्लेक्स सेक्शन के है। और घुटने का झटका बेहतरीन एग्जाम्पल है रिफ्लेक्स सेक्शन के। और तीसरा जो है पल के जो है हमारे चपकना, वो क्या है, रिफ्लेक्स सेक्शन की गुड एग्जाम्पल है। वगैरह के मुख्तलिफ अक़साम की हरकत मुनाक़्स की मिसालें और भी बहुत से हैं। और हमारे ये अक्सर क्या होते हैं, ये रिफ्लेक्स सेक्शन रेल के हड्डी वाले जानवरों में मोस्टली अक्सर तौर पर पाए जाते हैं। हरकत मुनाक़्सा में आमतौर पर न्यूरॉन्स हिस्सा लेते हैं, इनमें किस वजह से होते हैं, यानी कि खुद तो ऐसा नहीं होते, लेकिन उसमें कुछ चीज़ तो है, लेकिन वो क्या है, न्यूरॉन्स यहाँ पर क्या काम करते हैं, न्यूरॉन्स हमारे हार्ट जो यानी कि धड़कता है उसमें भी यही प्रोसेस होता है रिफ्लेक्स सेक्शन। और वहाँ पर काम क्या करते हैं हमारे ऐसी जगहों पर, वहाँ पर काम करते हैं न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स खासतौर पर काबिल जिक्र, एक है सेंसरी न्यूरॉन और एक है इनको हम हिस्सी न्यूरॉन और हल्की न्यूरॉन भी कहते हैं, सेंसरी न्यूरॉन एंड और क्या था, और ये हसी न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन, इसको हम कहते हैं, ये दो न्यूरॉन वहाँ पर क्या करते हैं, काम करते हैं। हरकत यानी कि मुनाक़्सा में आमतौर पर न्यूरॉन हिस्सा लेते हैं, एक हसी न्यूरॉन और दूसरा हरकी न्यूरॉन, जिनकी राह से नशरियात को रिफ्लेक्स सर कहा जाता है, जो जिनकी राह से जो यानी कि नशरियात को यानी कि किसी हमारे हाथ के ऊपर कोई जख्म होता है तो वो हमारे इस तरह मतलब जो इस रास्ते इस तरह आते हैं हमारे ब्रेन तक पहुँचता है, ब्रेन से फिर क्या होता है यहाँ पर जो मतलब मैसेज होता है उसको इसके जो रास्ते में जो नशियात है इसको हम क्या रिफ्लेक्स अर्क कहते हैं। इसको मतलब जो हरकी न्यूरॉन्स और हिस्सी न्यूरॉन्स की रास यानी कि राह से नशियात को रिफ्लेक्स अर्क कहा जाता है। फकारिया जानवरों में पाए जाने वाले बेशतर हरकत मुनाक़्सा के बाल पॉलीसाइप्टिक यानी कि पॉलीसाइनेप्टिक होते हैं, जिनमें हिस्सी न्यूरॉन और हल्की न्यूरॉन के दरमियान एक से ज़्यादा इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, जिनकी सब मोहरिक की इतना दिमाग को भी की जाती है, चुनाचा इस तरह के इस्तिरार भी कुछ शहूरी अख्तियार को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इस तरह कुछ शहूरी को भी मतलब इस्तेमाल किया जा सकता है रिफ्लेक्स सेक्शन में। और ये था अबाउट रिफ्लेक्स सेक्शन, मतलब इस तरह की पोज होता है हमारे, ये बाहर बाहर हमने एग्जाम्पल भी ये जो है इस तरह के हरकत जो हमारे जिस्म में होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, जो कि दिल का जो धड़कना है, हमारे पलक जो पकना है, घुटने का जो झटका है, और हमारे किसी यानी कि किसी दर्दनाक मुहरिकात के मतलब किसी दर्दनाक मुहरिकात के नतीजा में, या किसी दर्दनाक मुहरिकात के नतीजा में क्या करें, बाजू को एकदम दूर खींचना है, क्या है, ये सब रिफ्लेक्स सेक्शन की क्या है एग्जाम्पल है। रिफ्लेक्स सेक्शन क्या है, एक लाशूरी हरकत जो हम अपने जिसमें कही, आमतौर पर कहाँ पर पाया जाता है, मोस्टली तौर पर ये रेल घट्टी वाले जानवरों में पाया जाता है। और इसमें कौन से जो न्यूरॉन हिस्सा लेते हैं, न्यूरॉन उनका नाम क्या, हिस्सी और हरकी न्यूरॉन्स आमतौर पर हिस्सा लेते हैं इसमें। और जो रास्ते इसमें मतलब जो दिमाग के लिए जो नशरियात होती है, एक मैसेज उस जगह तक पहुंचता है और उस तरह हमारे दिमाग के उसमें होता है, इसको रिफ्लेक्स अर्क कहा जाता है। ये था अबाउट डिटेल्स इन रिफ्लेक्स सेक्शन, आई एम श्योर कि यू अंडरस्टैंड इट्स क्लियरली।